कुछ आलू निकालने के लिए और उनकी हार्वेस्टिंग के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज देखिए ये मैं आलू निकाल रहा था, तो देखिए मेरे आलू का साइज कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो वही मैं अपने देखिए इस प्लांट में से यहाँ से देखिए ये आलू निकाल रहा था, वही मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरे गार्डन के आलू कितने बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए सारे सभी एक साइज के नहीं निकलते हैं, देखिए कुछ ऐसे छोटे भी निकलते हैं, कुछ बड़े भी निकलते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए दोस्तों हमारे जो आलू का साइज है काफी अच्छा साइज हो गया है। हालांकि दोस्तों अभी ये एक महीने और भी लगा रह सकता है, अगर एक महीने और लगा रहेगा तो इसका साइज और भी अच्छा हो जाएगा। तो हम दोस्तों अपने घर के यूज के लिए लगाते हैं, घर के यूज के लिए ही हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी ही हाइट तक है आलू। दोस्तों बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता है, जहाँ पर आप आलू लगाते हैं उसके आसपास पे ही वो अपने कंदों को बढ़ाता है। तो ये देखिए आगे चलते हैं, तो ये देखिए, और देखिए जब आपका आलू कुछ ऊपर से हवा लगता रहता है या ऊपर से खुला रहता है तो देखिए ऐसे टाइप का हल्का हल्का सा हरा हो जाता है, वरना ये पूरा बिल्कुल पीला रहता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा पीला, ये देखिए ये पूरा पीला है। तो चलिए हम निकालते हैं और ये देखिए ये निकला। आप चाहें तो दोस्तों इसको पूरा फावड़े से खोद करके भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम हाथ से ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए मेरे, मैं खुरपी लेकर के आया हूँ अपने साथ में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुरपी लगाने से कहीं कट ना जाए इस डर से। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आलू का साइज, और ये देखिए दोस्तों ये है आलू का साइज, ये देखिए देखिए मेरे आलू का साइज। देखिए दोस्तों मैं अपने हाथ से नाप करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए इतने इतने बड़े साइज के देखिए आलू है। और ये दोस्तों अभी तो दोस्तों इसका दो महीना ही हुआ है, ये देखिए, और ये देखिए हमने इसको पूरा ऐसे कर दिया। और हालांकि दोस्तों हमने जो ये आलू लगाया हुआ है ये दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरीके का हमने कोई केमिकल ज़्यादा यूज नहीं किया है। बस हाँ लगाते टाइम ही बस थोड़ा सा DAP यूज किया था, क्योंकि वो तो यूज करना ही पड़ता है आजकल स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं अभी और भी निकालता हूँ, ये देखिए, देखिए जो ऊपर रह गया उसमें देखिए ऐसे ये हल्का सा हरा हरा रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम साफ करते हैं पहले ऊपर की मिट्टी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आपको देखिए आलू दिख रहे होंगे, देखिए आपको आलू गिनाता हूँ एक पेड़ में कितने आलू हैं। देखिए मैं इनको अलग निकाल के रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखिए एक, ये दो, एक इधर ढनंग गया, ये तीन, तीन और एक,
चार के बाद ये देखिए पांच, पांच के बाद ये देखिए एक छह, और ये देखिए मैं एक ही पेड़ से निकाल रहा हूं, ये देखिए एक ही पेड़ से। ये देखिए एक सात, ये देखिए ये तो छोटे छोटे हैं, इनको अलग रखते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे हैं, अभी ये सब बड़े हो जाते हैं, ये देखिए ऐसे ही ये सब बड़े हो जाते हैं अभी। और ये देखिए ये हो गया सात, और ये देखिए एक ये कि एक आठ, आठ एक नौ, ये देखिए नौ, और ये दस, ठीक है ना दोस्तों, ये दस हो गए। और देखते हैं, अच्छा ये अब तो अब उधर के निकलने लगे, उस साइड के निकलने लगे। तो देखिए दोस्तों इसमें दस बड़े बड़े आलू हैं और चार छोटे छोटे आलू हैं, मतलब कि आप समझ सकते हो दोस्तों कितना अच्छा इसमें हमें हार्वेस्टिंग इस बार मिला है। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों हमने आलू खोद लिए हैं, और देखिए दोस्तों कुछ आलू का साइज तो देखिए कितना अच्छा अच्छा हो गया। ये देखिए कुछ आलू का साइज जो अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया ये देखिए, और कुछ का साइज देखिए दोस्तों छोटा छोटा भी है। तो दोस्तों मेरा जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो ये है कि जो आलू का जो हमने आलू लगाया था जिसका साइज लगभग समझ लीजिए कि इतना बड़ा था, तो उसमें से जो हमें इतना इतना बड़ा देखिए आलू मिल गया, ठीक है ना। और जो हमने आलू का बीज लगाया जो इतना बड़ा था या इतना इतना जो बड़ा था, तो उसमें आलू का साइज दोस्तों अभी केवल इतना हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आलू की पैदावार आपकी आपके बीज की क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है। तो आप जब भी आलू लगाएं तो आलू का जो बीज है वो एक अच्छी क्वालिटी का लें, या फिर जो बीज है उसकी आप सॉर्टिंग कर लें कि आपको किस साइज का आपको बीज लेना है, तो सभी साइज के बीज को आप अलग अलग लगाएं और उनकी हार्वेस्टिंग अलग अलग तरीके से करें, तब आपको एक साइज का आलू जो है पाने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय।